लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया क्लब में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मगर आज इंडिया क्लब में एक नए मेहमान पधारे हैं, मिस्टर गोपी। मिस्टर सेक्रेटरी, ये हमारे क्लब की इंसल्ट है। आपने ऐसे घटिया और गवार लोगों को क्लब में एंटर करने की इजाजत कैसे दी? आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये तो बनारस की बहुत बड़ी हस्ती है। ये जो शक्ल से अनपढ़, गवार और जंगली नजर आते हो, आप उन्हें ऊंची और बड़ी हस्ती कहते हैं? ऐसे छोटे लोगों के साथ तो मैं खड़े रहना भी पसंद नहीं करती। चलो बेटी, ये मेरा हाथ है। आओ, चलो। एक मिनट, इन्होंने हमारी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अभी अभी इन्होंने हमारी तारीफ में कहा कि हम अनपढ़, जाहिल और गवार, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो क्या हम गवार हो गए? अगर हम अपनी जन्म देने वाली माँ से प्यार करते हैं तो क्या हम गवार हो गए? अगर हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को गले लगाकर रखना चाहते हैं तो क्या हम गवार हो गए? और अगर ऐसा सब कुछ करने से इंसान गवार हो जाता है तो भगवान करे हम जिंदगी भर गवार ही रहे भैया। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है भाई साहब, एक पॉइंट है। ये अनपढ़ गवार जो होते हैं ना, वो बहुत टैम्बिस होते हैं। एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, चपड़ जाते हैं, चाहे वो चीज विदेश चली जाए, चांद पे चली जाए, या ब्रह्मांड में कहीं हो जाए, तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे यहाँ पर कोई डॉक्टर है? डॉक्टर, Excuse me, I'm a doctor. She's pregnant. ये तो माँ बनने वाली। अरे हाथ तो छोड़, मुबारक हो, आप नानी बनने वाली है। मिठाई भगाओ, शराब भगाओ। अरे लिली, तुम तो कह रही थी इसकी शादी नहीं हुई, फिर ये माँ कैसे बनी? मैं तो मजाक कर रही थी, मधु की शादी हो गई है, आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। अरे अरे, फिर एक काम कीजिए ना, अब इन सबको एक बार इनके पति से मिला दीजिए। अब आ गया मधु का पति। हाय लिली। हाय। हाय आंटी। हाय। आओ बेटे, ये है मधु का पति विक्की। चल मन, चला चल। गोपी बेटा, रुक तो सही, कहाँ जा रहा है तू? हम जा रहे हैं हिंदुस्तान। अरे कैसी बात कर रहा है तू? बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद यहाँ पर रुकेंगे क्या? देख बेटा, मेरी बेटी को तो अकल है नहीं, वो नादान है। उसकी माँ ने ऐसे काबू में करके रखा है कि उसके दिमाग से सोचती है, उसकी आंखों से दुनिया को देखती है। मैंने सोचा था तू आएगा, इस घर को सुधार देगा। अरे हम यहाँ पर किसी को सुधारने के लिए नहीं आए, हम अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर आए थे। और उसका हमको ये सिला मिला कि हमारी पत्नी को किसी और की पत्नी कहा जा रहा है, हमारे होने वाले बेटे का बाप किसी और को कहा जा रहा है। बनारस होता ना तो का डालते। तू ठहरना यार। देख बेटा, मेरे लिए ना सही, अपनी बीवी के लिए ना सही, मगर अपने होने वाले बच्चे के लिए तू रुक जा, उसका क्या कसूर है? कॉपी भैया, चाचा जी ठीक कह रहे हैं, भाभी के साथ साथ मेरा भतीजा भी इस घर के माहौल में खो जाएगा। तो ठीक कह रहा है मंजिला, हम रुक जाते हैं। अब देखना, अब मधु तो क्या, उसके बाप को भी अगर सुधार नहीं, बाप नहीं भाई, माँ। हाँ, वही, उसकी माँ को भी अगर सुधार नहीं दिया तो हमारा नाम गोपी नहीं। आप शरीफ आदमी है ना, आपके साथ ऐसा होता ही रहता है। चल बेटा। डॉक्टर, शी इज न्यूली मैरिड एंड गॉट प्रेग्नेंट, बट शी डजंट वांट दिस चाइल्ड। ओ, इफ यू वांट एन अबॉर्शन यू कैन कम टुमारो इफ यू लाइक, बट आर यू श्योर टू किल योर फर्स्ट चाइल्ड इज नॉट अ गुड थिंग? You can still make up your mind. Well, doctor, she doesn't get along with her husband, so she doesn't want this baby. Please try to understand. Okay. Thank you. ये औरत हमारे बच्चे को मार डालना चाहती है। अरे ये औरत थोड़ी राक्षस है, डाइन है, भगवान इसको बुद्धि दे। आप अंदर चलिए, हम डॉक्टर से बात करते हैं। Yes, please. Hello, doctor. Namaste. That girl who came just now, Madhu, she's my daughter. Yes. And he is her husband. And she doesn't like him. That's why she wants the baby to be aborted. Why doesn't she like him? Well, he's a simpleton from a village. So and what? And she's the daughter of a rich father from a higher society. So, you know, there is always a... एक मिनट, हम समझाते हैं. नमस्कार. आई गोपी.
इंडिया से सिंगापुर तक कमिंग। हमारी वाइफ टेक बैक है नाउ। हमारी वाइफ इज आई लव एंड वाइफ लव, वो भी हमको प्यार करती है। यस हाँ। माय सासू जी प्रॉब्लम है, शी वांट्स टू किल माय बेबी। आई गोपी वाराणसी, इज्जत रिस्पेक्ट डाई है। इफ यू सेव माय चाइल्ड, गॉड विल ब्लेस योर चाइल्ड है। आई नो वांट किलिंग भगवान के लिए, बोलिए ना आप। यू अंडरस्टैंड व्हाट ही मींस? आई कैन सी फ्रॉम हिज फेस व्हाट ही मींस। डोंट वरी माय फ्रेंड, आई वोंट अलाउ द अबॉर्शन। बहुत 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 एहसान आपका। यू सी नाउडेज बहुत ज्यादा गरीबी, ब्लड ऑफ पब्लिक पॉवर्टी प्रॉब्लम, बहुत कुछ। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आई एम बिग लैंड रिस्पेक्ट एवरीथिंग विलेज में। चलना बस, हो गया, वो समझ गई। बच्चा नहीं गिराएगी, बच्चा बच जाएगा। अंग्रेजों के सामने क्या हिंदी बोलेगा? नहीं नहीं, थैंक यू। गॉड विल ब्लेस योर चाइल्ड आल्सो। है अच्छा जी, जय हिंद। थैंक यू। हाँ धन्यवाद। वो कमीना हॉस्पिटल तक पहुंच गया, न जाने उसने डॉक्टर को क्या पट्टी पढ़ाई। डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। इस कमबख्त से कब छुटकारा मिलेगा? डोंट वरी, जस्ट कूल डाउन, मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगा। कैसे, क्या करोगे तुम? मैं उसकी ऐसी हालत बनाऊंगा कि वो टिकट कटाएगा कोई बनारस का, एंड ही विल नेवर एवर कम बैक टू सिंगापुर। ये कौन दुष्ट आत्मा है जो हमें कष्ट दे रही है? आओ प्यारे मोहन, हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आते। क्यों राजा? क्योंकि फिर तुम आराम से बनारस में जाके पूजा पाठ कर सकोगे। लेकिन बगैर मधुबालों को लिए हम सिंगापुर से नहीं जाएंगे यार। तो फिर हम तुम्हें सिंगापुर दिखाते हैं। यह है सिंगापुर की फुटपाथ, कैसी लगी? यू ये देख, 50 माले की बिल्डिंग, कैसी लगी? किधर है यू? अबे क्या कर रहा है बे, लग रहा है बे। ये देख डिपार्टमेंटल स्टोर, सामान की इतनी बड़ी दुकान है इंडिया में। अबे नहीं है यार। अरे बाप रे बाप, अरे ये भी देख, ये भी देख यार। अरे कहाँ को देखे यार, हावड़ा ब्रिज से छोटा है वो। झूम एक मिनट, तुमने हमको काफी सिंगापुर दिखा दिया, अब हम तुमको इंडिया दिखाएगा। तुम यहाँ इंडिया कैसे दिखाएगा यू इडियट? That is my headache, you bloody idiot. You bloody talk in English, huh? Yes, I can talk English when it is necessary. अरे ये काला तुम्हारे साथ है? अरे इसकी जात हमारे चल रे बाजा ढोंडिया, चल रे बाजा ढोंडिया, नीट सर उबरा ना, काना खाले वाजन तो गड़बड़ करू, नको निजारिया गड़बड़ करू, नको नको नको। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। You've got the right punch, baby. आपकी जबान में इसे बिलो द बेल्ट कहते हैं सर। अब हमें जिंदा देखकर तेरी नानी मर गई होगी ना रे।
में जिंदा वापस कैसे आ गया? मालूम नहीं कैसे आ गया। हमें मारने के लिए टटपुंजी गुंडे भेजे थे का समझ कर कि गोपी कौन हलवा है जिसको मुंह में डालोगे घचाक से पेट में चला जाएगा। अरे हमने गंगा घाट का पानी पिया है, हमें कोई नहीं मार सकता, और अगर कोई मार सकता है तो केवल एक आदमी, खुद गोपी। अरे नहीं गोपी बेटा, बात सुनो मेरी। हाँ बोलने सुनने के लिए बचा कहा है? अरे तुम सभी तो हमारे मरने की कामना कर रहे हो, ना सास हमारी, ना ससुर अपना, ना वो मधु हमारी। अरे हम तो उसी दिन मर गए थे जब हमारी पत्नी ने हमें पति मानने से इनकार कर दिया था। एंड आई इट इज नाउ आई डोंट फील लाइक लिविंग, तो सोच रहा हूं कि जब मैं मर रहा हूं तो तुम लोगों को भी क्यों ना मार के मरूं। मगर फिर सोचता हूं कि जाने दो। ये ठीक है ना, अकेला ही चला जाता हूं, इसीलिए है भगवान आई एम कमिंग। जय श्री राम। हम जा रहे हैं बुढ़हिन, मगर इतनी खुश मत हो, हमारी आत्मा भूत बनकर तुम्हारे आस पास मंडराएगी। ओह माय गॉड, ये तो सचमुच मर गया। ये नहीं मरा, हम लोग मर गए। आपको सोचना। क्या सोचूं? अब तो डायरेक्ट फांसी है तुमको, सिंगापुर में फांसी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। देखो कुछ करो, तुम मेरे अच्छे पति हो ना। पति? तुमको आज याद है कि मैं तुम्हारा पति हूँ मर्डर करने के बाद? प्लीज। अच्छा अच्छा देखो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसकी लाश को डिक्की में डाल के कोई भी ठिकाने पे लगाने की कोशिश करता हूँ, तुम मेरी मदद करो, मगर दोबारा ऐसा नहीं करना, बहुत हो गया, तुम्हारा बचना तो मुश्किल है, पुलिस पकड़े तो मेरा नाम मत लेना। मैंने क्या किया है? मगर ये सचमुच मर गया है। नहीं वो आखिरी सांस ले रहा था ना तो फड़फड़ा रहा था। जल्दी से यहाँ से हटाओ ना इसे। हटाऊं? अच्छा जल्दी हटाओ ना। हटाता हूँ तो हटो। अरे थोड़ी मदद करो ना। कमाल के उतार के लाश की टांग नहीं टूट जावे। मैं चलता हूँ, वो बहुत डर गई है, कहीं घबराहट के मारे उसको हार्ट अटैक नहीं आ जावे। क्या करता है यार? क्या हुआ? मैंने उसकी लाश को इतनी ऊंचाई से फेंकवाया है कि अभी तक नीचे नहीं गिरी होगी। Oh my God, thank you very much. Don't mention. चलो, रात ज्यादा हो चुकी है, चल के सो जाएं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? भूत बनकर आया है। कौन भूत बनकर आ गया, किधर है? मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुनो मैडम, वो भूत तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, और भूत सिंगापुर में नहीं इंडिया में होते हैं। हाँ, और भूत को सिंगापुर में आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ सकता। सो जाओ यार, आप नींद खराब कर, मजे की नींद आ रही थी। अरे किधर है, क्या हुआ? गोपी का भूत मेरे सामने है। किधर है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारी आंखें खराब है, कुछ भी नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।